हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। पिछले क्लास में हम पढ़े थे वैक्सीनेशन के बारे में, और वैक्सीनेशन क्या होता है इसे हम बताए थे। आज हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स के कितने किस्में होते हैं। तो वैक्सीन के जो किस्में हैं, ये इसका मोड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से वैक्सीन के पाँच किस्में होते हैं। वैक्सीन को पांच किस्में में बांटा गया है मोड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से। वैक्सीन्स में हम जानते हैं कि वैक्सीन्स क्या होता है। वैक्सीन्स में क्या होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैक्सीन अपने अंदर में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखता है, जो कि जिस्म में जाते के साथ जो है एक इम्यून सिस्टम बिल्डअप करता है और एंटीबॉडी जो है जनरेट करता है। और वो एंटीबॉडी फ्यूचर में अगर कभी भी कोई उसी का करस्पॉन्डिंग कोई अगर माने वायरस अगर जिस्म में कभी दाखिल होगा, तो वो एंटीबॉडी उस जरासीम को माने खा जाएगा, उसको मार डालेगा, उसको शिकस्त दे देगा और बॉडी को जो है महफूज रखेगा। ये होता है वैक्सीन का फंक्शन। अब वैक्सीन जो है अब पांच किस्म के होते हैं। पहला है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, दूसरा है किल्ड वैक्सीन्स, तीसरा है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, चौथा है सब यूनिट वैक्सीन्स, और पांचवा है कंजुगेट वैक्सीन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में क्या होता है, लाइव का मतलब होता है जिंदा और एटेन्यूएटेड का मतलब होता है इनएक्टिव। तो इसमें क्या होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वायरस, जिसे हम एंटीजेंस या पैथोजेंस भी कहते हैं, इसका होल बॉडी को माने एक पूरे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जिंदा जो है जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन एटेन्यूएटेड फॉर्म माने इनएक्टिव बनाकर। इसलिए कि जब हम उसको इनएक्टिव बना देंगे तो बॉडी में ये जब पहुंचने के बाद ये हार्मलेस हो जाएगा, ये हमारे बॉडी में फिर किसी तरह का बीमारियों को पैदा नहीं करेगा, जिंदा रहेगा लेकिन कोई बीमारी पैदा नहीं करेगा। इसलिए इसको कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। तो जब हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को जब हम जिस्म में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम बिल्डअप होता है और एक एंटीबॉडी जो है तैयार हो जाता है, और ये एंटीबॉडी मुस्तकबिल में कभी भी उस एंटीबॉडी का करस्पॉन्डिंग कोई भी जरासीम जब अंदर दाखिल होगा तो ये वैक्सीन जो है फिर उसको जो है उससे कॉम्बैट करेगा, उससे फाइट करेगा, उसे शिकस्त देगा और बॉडी को इस तरह से हिफाजत जो है इनायत करेगा। तो ये होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। इसकी मिसाल किन किन बीमारियों में जो है ये वैक्सीन तैयार किया जाता है, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके बाद दो नंबर में है किल्ड वैक्सीन्स। किल्ड वैक्सीन्स का मतलब यहाँ पर किल्ड से आप समझ रहे हैं मार डालना। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो जरासीम होते हैं उसको जो है मार दिया जाता है, मतलब उसको डेड बना दिया जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। और उसको मारने का तरीका है रेडिएशन। रेडिएशन के जरिए जो है जो वायरस या बैक्टीरिया जो है उसको हम जान से मार डालते हैं। अब उसके बाद जो है ना मुर्दा बैक्टीरिया या वायरस को जिस्म के अंदर में दाखिल किया जाता है। अब जब जिस्म के अंदर में दाखिल होता है तो इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है, और बायस उसके फिर क्या होता है, एक एंटीबॉडी फिर जिसमें तैयार हो जाता है, जो मुस्तकबिल में किसी भी उससे करस्पॉन्डिंग जो भी बीमारी जरासीम कभी भी अंदर दाखिल होगा उससे फाइट करेगा, लड़ेगा और उसे जो है शिकस्त देगा और जिस्म को हिफाजत अता करेगा। इसके बाद है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स ये नाम ही से समझ में आ रहा है, टॉक्सिन। इसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन है उसमें क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया इसका जो टॉक्सिन है मान इसको जो जहर है, इसके जहर को जो है क्या क्या होता है बेअमल कर दिया जाता है, मान इनएक्टिव कर दिया जाता है और उसको जिसमें वैक्सीन को तौर पर दे दिया जाता है। और इस तरह से ये बेजरर टॉक्सिन जो है, इस तरह से इस बेजरर टॉक्सिन को टॉक्सॉइड कहा जाता है। अब जब टॉक्सॉइड वैक्सीन जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो जिस्म उसे असल टॉक्सिन समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करता है और इस तरह इस टॉक्सिन से महफूज हो जाता है। मतलब
टॉक्सॉइड में वैक्सीन क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया वायरस के जहर को जो है जिसमें डाला जाता है लेकिन हार्मलेस बनाकर, ठीक है, ताकि जिसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। और फिर उस टॉक्सिन को क्या करता है बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम समझता है कि असल जो है ये क्या है, मतलब ये मैंने जरासी में, और फिर उसके खिलाफ में क्या होता है एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। अब इस ये जो है इसका वैक्सीन तैयार होता है टेटनस और डिप्थेरिया बीमारियों में। इसके बाद सब यूनिट वैक्सीन्स, हमने क्या देखा था कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में हम समूचे ऑर्गेनिज्म को जो है जिस्म के अंदर में इंजेक्ट करते हैं, मैंने उसको पूरे जिस्म को जिंदा लेकिन पूरे जिस्म को। सब यूनिट में क्या होता है कि इस किस्म के वैक्सीन में जरासीम का एक निहायत छोटा सा टुकड़ा, मतलब इसमें जरासीम पूरे जरासीम को जो है जरासीम के होल बॉडी को, ठीक है ना, जरासीम के होल बॉडी को जिस्म के अंदर में नहीं दाखिल करते, बस कि उसका एक टुकड़ा निहायत ही छोटा सा टुकड़ा, मसलन कोई बैक्टीरिया का जो है कोई मेम्ब्रेन या कोई वायरस का कोई डीएनए का एक टुकड़ा जो है वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो जिस्म में इम्यूनिटी पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो इसमें सब यूनिट में क्या होता है वायरस या बैक्टीरिया के किसी टुकड़े को जो है हम जिस्म के अंदर में इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद है कंजुगेट वैक्सीन्स। कंजुगेट वैक्सीन में क्या होता है कि बास बैक्टीरियों के बैरूनी गलाफ पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, उन्हें टॉक्सिन के साथ मिलाकर वैक्सीन बनाया जाता है। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया का जो ये क्या कहता है कि बैरूनी गलाफ है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो तो पॉलीसेकेराइड का बना होता है, अब उसको अटैच कर देते हैं किसी टॉक्सिन के साथ। यहाँ पर हम लोग टॉक्सिन पर हैं, टॉक्सिन के उसको अटैच कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन उसको टुकड़ा को उसके टुकड़े को टॉक्सिन के साथ अटैच करके जिस्म के अंदर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये है मतलब डिफरेंट मोड्स ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन्स इन ह्यूमन बॉडी, और इसी के रॉ से जो है मुख्तलिफ वैक्सीन्स का नाम मुख्तलिफ रखा गया है। तो इस तरह से ये वैक्सीन्स के 5 किस्में हैं, लाइव एटेन्यूएटेड किल्ड वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन्स, कंजुगेट वैक्सीन। तो ये था वैक्सीन्स के ऊपर आज का लेसन। हम उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन्स और वैक्सीनेशन इसके मुतल्लिक जो भी बातें आपको बयान की गई हैं आपको समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।